जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ बनाना, झूठ फैलाना बंद करो। और भाइयों बहनों इनको पता होना चाहिए, ये जो संविधान सभा थी डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेतृत्व करते थे, बाबा साहब आम्बेडकर का दिल दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था और देश के गणमान्य लोग अनेक महीनों तक बैठ करके विचार विमर्श करके देश की भावनाओं को समझ करके देश की सामाजिक परिस्थितियों को समझ करके हमारे संविधान का निर्माण किया है। और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो, ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। और इसलिए हकीकत तो यह है कि देश की आजादी के बाद संविधान को राजनीति का हथियार नहीं, संविधान को श्रद्धा के रूप में जनमन में प्रस्थापित करना चाहिए था। और हमारा देश ऐसा है जो रामायण में आस्था रखता है, महाभारत में आस्था रखता है, गीता में आस्था रखता है, वो आज के युग में संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता। लेकिन आपने संविधान का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। हमने संविधान के प्रति आस्था पैदा करने के लिए लगातार कोशिश की है। जब पार्लियामेंट में मैं ये प्रस्ताव लेकर के आया कि हमने देश में संविधान दिवस मनाना चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान खड़गे जी ने पार्लियामेंट में उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था, अरे 26 जनवरी तो है, संविधान दिवस की क्या जरूरत है। उनको ये समझ नहीं आया कि भारत के संविधान के प्रति निरंतर श्रद्धा पैदा करते रहना चाहिए, संस्कार बनना चाहिए। हमने संविधान दिवस को हर स्कूल में बच्चों के सामने संविधान का पाठ हो, प्रियम्बल का पाठ हो, वचनबद्धता आए, इसके लिए परंपरा प्रारंभ की है। और आज भी संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिन का सेमिनार करती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है। इतना ही नहीं, संविधान को 75 साल हो रहे हैं, संविधान के 75 साल मनाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि संविधान सिर्फ अदालतों में दलील के लिए काम आए इतना पूर्ता नहीं है, संविधान हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को नई ताकत देने वाला संविधान वो ताकत है जिसको हमें दिलों तक पहुंचाना है। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का
हमारा मार्गदर्शक है और उसको लेकर के हम स्वतः आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के संविधान को इस प्रकार से गली मोहल्ले में ठोकरे मारने वालों लोगों को भारत के सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। अगर सामाजिक न्याय लाने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। बिन सांप्रदाय की सच्ची भावना को उजागर करने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। और हम बड़ी श्रद्धा के साथ, इतना ही नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर को जो सम्मान हमने दिया है, आपको बोलने का अधिकार तक नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म से लेकर के जिन पांच महत्वपूर्ण स्थान पर बाबा साहब जी के जीवन का टर्निंग प्वाइंट रहा है, उसको पंचतीर्थ बनाने का काम हमने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन लोगों को जान के समझ करके ये झूठी बातें बताने वालों को हमेशा हमेशा के लिए चुप करना बहुत जरूरी है। और इस बार आपका वोट हमेशा के लिए उनको चुप कर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों, मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार देकर के देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है, ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है, और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। भाइयों बहनों, 19 अप्रैल को गर्मी कितनी क्यों न हो, हमें सुबह सुबह मतदान करना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? हमें हर मतदाता को मिलना है, मिलोगे? हमें हर पोलिंग बूथ जीतना है, जीतोगे? मेरा एक काम करोगे? ये जीतन राम मांझी का काम नहीं है, मेरा है। करोगे? घर घर जाना और लोगों को कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जी।